फिर गरमाया पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का मुद्दा। क्यों उठ रही मेरठ को राजधानी बनाने की मांग। बीजेपी के किस मंत्री ने कर डाली ये डिमांड। आखिर क्यों एक बार फिर गरमाने लगा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा। लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ को राजधानी बनाने की मांग केंद्र सरकार के किस मंत्री ने उठाई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको उस मंत्री का बयान ही सुना देते हैं जिसने ये बड़ी डिमांड कर डाली है। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं खोल कर कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। सुना ये बयान, और इस बयान को देने वाले हैं केंद्र सरकार के मंत्री संजीव बालियान, जिन्होंने साफ साफ मांग कर डाली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए। दरअसल मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में संजीव बालियान के साथ साथ जाट समुदाय से जुड़े कई जनप्रतिनिधि शामिल भी हुए थे। जाट संसद में वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और राजा महेंद्र सिंह के लिए भारत रत्न सम्मान और नए संसद भवन में महाराजा सूरजमल का स्मारक बनाने की मांग भी रखी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अपने बयान में आखिर संजीव बालियान ने कहा क्या। दरअसल उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है और यहाँ से अलग किसी मुकदमे के लिए किसी को हाईकोर्ट जाना हो तो वो 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पूरी तरह से जायज और ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो मेरठ को इसकी राजधानी बनना चाहिए। मैं खोल कर कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश है। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो वही जाट आरक्षण को लेकर संजीव बालियान ने कहा कि ये कहना कि आरक्षण को लेकर सही से पैरवी नहीं की गई, इस वजह से ये खत्म हो गया, जो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा था और आगे भविष्य में भी अगर कोई आरक्षण की बात करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। आपको बता दें बीजेपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनकर संसद पहुंचे हैं। 2014 में संजीव बालियान ने इस सीट पर बीएसपी के कादिर राणा को 401,150 वोटों के रिकॉर्ड के अंतर से हराया था। इसके बाद 2019 में इसी सीट पर उन्होंने आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह को हराया था। हालांकि इस चुनाव में जीत का अंतर महज 6,526 था। लेकिन जिस तरह से एक केंद्रीय मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की डिमांड कर डाली है, उससे कहीं ना कहीं ये मुद्दा ना सिर्फ गर्माएगा बल्कि इस बयान के बाद इसे लेकर अलग राज्य बनाने की मांग और ज्यादा बढ़ने भी लगेगी। खैर अब देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ अपना बयान देती है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।